आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। गया शहर में रविवार को जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने लोक न्याय मार्च निकाला। मानपुर जगजीवन कॉलेज से निकलकर टावर चौक पर लोक न्याय मार्च निकाला गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया ने कहा कि इस दौरान लोक न्याय मार्च में शामिल पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रिहाई की मांग की। ये जो ऐसे रिहाई पप्पू यादव जी का अविलंब जिस वक्त अभी तुरंत इस वक्त जो है से की रिहाई किया जाए, अगर नहीं होगी तो अभी आंदोलन पर आंदोलन हो रही है। एक अब जैसे लॉकडाउन फ्री हो गए, बेहद पैमाने पर आंदोलन होगी और खास करके यहाँ के लोगों को ये तमाम जनता की मांग है, हमारी मांग नहीं तमाम जनता की मांग है। ये गरीबों की फरिश्ते हैं, उसको तुम बाइज्जत रिहा करो। जब जिला अध्यक्ष गया, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कल ही कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो बातें हुई हैं, जो कि एनडीए का हिस्सा जनता दल यूनाइटेड भी है, इसलिए केंद्र मंत्रिमंडल के विस्तार में हिस्सेदारी चाहती है और उसी बयान पर आरसीपी सिंह आज भी कायम है और इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। मांझी से नाराजगी पर उन्होंने कहा कि लोग इस पर बहुत चिंता करते हैं, हमारे बिहार में सब लोग एकजुट हैं और आज स्वस्थ रहिए, 5 साल सरकार चलेगी। जनता ने किसी के लिए वोट किया है और जनता ने वोट किया है तो सरकार 5 साल चलेगी। एनडीए में बिहार में सब लोग एकजुट हैं और घर में बात विवाद चलते रहता है, बिल्कुल आज स्वस्थ रहिए, 5 साल तक यहाँ सरकार चलेगी। किस बात के लिए जनता ने वोट दिया है? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए, और सब लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, सरकार चलती रही। ये तो चुनौती दे रही है कि अरे उनकी चुनौती खत्म हो चुकी। देखिए आहा, इनके आरजेडी की परेशानी क्या है? 15 साल तक बेचारे बालू फांक रहे हैं, आगे फिर 5 साल बालू फांकना है। तो उनके जितने भी MLA हैं उनके पेट में तो दर्द होते रहता होगा, कितना दिन बालू फांकवाएगा। तो अपने उनके फ्लॉक को रखना है ठीक से तो क्या कहेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान सामने आया, जहां उन्होंने एनडीए के बैनर पर केंद्र और राज्य में भी सरकार चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि एनडीए के हमारे घटक दल और स्वाभाविक तौर पर उन्हें शामिल करना चाहिए और उन्हें सम्मान की देनी चाहिए, हमारी परंपरा रही है। आपने देखा होगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब 24 दलों की जब एनडीए की सरकार बनी थी तो उसमें भी तत्कालीन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा था। एनडीए के बैनर पर केंद्र में भी और राज्य में भी सरकार चला रहे हैं और एनडीए के हमारे जो घटक दल हैं स्वाभाविक तौर पर उन्हें शामिल करना चाहिए और उन्हें सम्मान देने की हमारी परंपरा रही। आपने देखा होगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब 24 दलों की एनडीए की सरकार बनी थी तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सभी दलों को सम्मान दिया और सभी दलों के माननीय सांसद उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल थे और बेहतर ढंग से सरकार चली और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन सारी चीज़ों का बेहतर ध्यान भी रख रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उसमें जदयू घटक दल के रूप में उनके मंत्री भी शामिल होंगे तो ये तो अच्छी बात है। नवादा के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी घटना सामने आई, जहां रास्ते की जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। मामला बढ़कर रोड़ेबाजी से गाली गलौच पर बदल गई और कई गोलियां भी चली। मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोराहा का है, जहां बीते शनिवार को संध्या काल में दो गुटों में जमीनी विवाद को लेकर आपस भीड़ में भिड़ गए, जिसमें 5 लोग जख्मी भी हो गए। घटना के बारे में बताया जाता है कि रास्ते के विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे, यहां तक कि दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी भी हुई जिसमें दोनों तरफ से कई फायरिंग की गई। घटना की जानकारी मिलते ही गोविंदपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और घटनास्थल से एक खोखा बरामद भी किया है।
जहानाबाद दी प्रूलर्स पार्टी के जहानाबाद जिला अध्यक्ष ने पीपल और बरगद का वृक्ष लगाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी और राष्ट्रीय महासचिव श्री अनुपम सुमन का जन्मदिन मनाया। 13 जून आज प्रूलर्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव अनुपम सुमन का जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि मैं राकेश कुमार जिलाध्यक्ष जहानाबाद जिले के सभी सदस्यों की तरफ से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नवादा के लापता 6 वर्षीय मनखुश का लाश गांव के ही आरोपी नीतीश चौरसिया के घर पुलिस ने बरामद कर लिया है। लापता बच्चे के परिजन बच्चे की बरामदगी के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटाया और सामाजिक लोगों की मदद ली। अखबारों में प्रमुखता से खबर छपी और 3 दिन बाद भी मनखुश का कुछ पता नहीं चला। खबर छपने के बाद पुलिस हरकत में आई और रविवार को बच्चे का शव आरोपी के घर से बरामद किया गया। आरोपियों ने बच्चों की हत्या कर शव को घर के अंदर चावल रखने वाले ट्रंक में छुपा रखा था। बता दें कि हसुआ थाना क्षेत्र के ढौड़ी ग्राम में विगत गुरुवार को अजीत चौरसिया की 6 वर्षीय पुत्री मनखुश कुमार को नीतीश चौरसिया ने अपहरण कर लिया था और उसी दिन नीतीश चौरसिया ने बच्चे को जान से मारकर अपनी पत्नी के सहयोग से अपने ही घर में छिपा दिया था। नाम चंदन कुमार होया, मेरा भतीजा का नाम मनखुश चौरसिया और मेरा अजीत पापा का उसका अजीत चौरसिया 10 दिन पहले लड़ाई वाला बोला बच्चा तुम्हारा किडनैप कर लेंगे तो उठा लेंगे बच्चा के 10 दिन के अंदर। 10 दिन हुए आंधे 11वां दिन में उठा लेंगे बच्चा के। उसके बाद हम रात के प्लान किए इसको घर में ढूंढे थे, घर में तो पता नहीं चला। भोर इस पर हमको दिमाग शक हो गया कि बच्चा के तुम मारा, बोला बच्चा के हम नहीं मारे, जो करना है जो कर लो। जब केस किए तब पुलिस से गया नहीं तब भाग गया तो कहें सर इसको घर में देखिए चप्पल मिला डांटने लगे, बोले चप्पल इसको कहाँ से घर से मिला। और तब लेडीज लोग बोल रही कि द्वारे तक इसको बच्चा आया, द्वारे तक से बच्चा गायब हो गया, बोला जो करना है जो कर लो। आज पता कैसे चला? आज तो पुलिस सब प्रशासन लोग पता किया कि बच्चा। यूं तो टीकाकरण अभियान में सूबे में पूर्णिया दूसरे स्थान पर है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी के कारण टीकाकरण अभियान रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। ग्रामीण इलाकों में जीविका दीदियों द्वारा टीकाकरण के प्रति जागरूकता के लिए अनोखी कोशिश की जा रही है और टीकाकरण गति को बढ़ाने के लिए गीत गाकर घर घर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यही कारण है कि अब जीविका दीदियों के इस पहल का असर दिखने लगा है। कि सो सर लेने में डर लगता है, हम नहीं लेंगे, नहीं लेना जाना पड़ेगा, हम आप लोग भागिए यहाँ से, ये वो 9-17 बहुत बात बोलती थी। क्या सब महिला सब आगे आ रही है? अब आगे अब बढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी सुई लेने के लिए। जहानाबाद जिला पदाधिकारी नवीन कुमार द्वारा टीका आपके द्वारा अभियान के तहत टीकाकरण कार्य में तेजी लाने के लिए क्षेत्र भ्रमण के क्रम में काको प्रखंड में पिछले 4 दिनों से कोविड-19 का टीका दिया जा रहा है और वहां के लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए भी कहा जा रहा है। कोविड-19 का टीका दिलाया जा रहा है। अगर जान जिंदा रहना है तो ये इस बीमारी है, ये एक तरह का आपदा, इसके लिए बना रही है गवर्नमेंट बनाई है, बहुत सारे अप्रूवल मिला है लेबोरेटरी से इस मेडिसिन को जी, और इसको लगाने के बाद ही इंसान दुनिया में फिर जिंदा रहेगा ना। तो क्या लोगों को सूचना देते हैं सर आप? लगाना मैंडेटरी है, इसको 100% लगाना चाहिए, इससे आपके स्वास्थ्य का आपके परिवार का सबका देखभाल होगा। उससे अगर नहीं कीजिएगा तो इससे हटिएगा, आप बचना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।